नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल 2020 का एलिमिनेटर मुकाबला हैदराबाद और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। मैच का आयोजन अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होना है। विराट कोहली और डेविड वार्नर की टीम आपस में भिड़ने वाली है और ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक भी होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें मैदान पर जोर आजमाइश करने के इरादे से उतरेगी। कोहली की निगाहें जीत पर होगी, क्योंकि टीम लगातार 4 मुकाबला हार चुकी है। अब विराट कोहली एंड कंपनी के लिए जीत ही आखिरी रास्ता है, अगर पहला आईपीएल खिताब जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखना है तो। वैसे हैदराबाद के खिलाफ बाजी मारना आसान नहीं होने वाला है। डेविड वार्नर की टीम पिछले 3 मुकाबलों से अजय चल रही है। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी को अपने पिछले 3 मुकाबलों में वार्नर की सेना ने हराया है। अगर बात आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के पिछले मैच की करूं तो वार्नर सेना ने कोहली सेना को 5 विकेटों से रौंदा था। हैदराबाद के गेंदबाजों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 120 रनों पर सीमित कर दिया था। जवाब में हैदराबाद की टीम ने आसानी से ये लक्ष्य 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया और इस दौरान 5 विकेट भी हैदराबाद की टीम ने गंवाया था। लिहाजा दबाव आरसीबी पर रहने वाला है। वैसे भी जब नॉकआउट राउंड की बात आती है तो विराट कोहली की टीम चूक कर जाती है। दबाव में आमतौर पर आरसीबी को बिखरते हुए हम लोगों ने सालों से देखा है। इस बार आरसीबी की टीम अच्छी बात ये रही है कि शुरुआती के 10 मुकाबलों में टीम गेम देखने को मिला था। सभी खिलाड़ियों ने बराबर का योगदान दिया था, चाहे वो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो या फिर फील्डर। हर फील्ड में बढ़िया किया था, पर पिछले 4 मैचों में किसी भी क्षेत्र में इस टीम ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है और ऐसा ही सिलसिला चला तो खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। इसके उलट हैदराबाद की टीम ने इस सीजन उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखे हैं। ये टीम प्रोग्रेस करते हुए टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है, इसलिए टीम में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी भी है। वार्नर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 85 रनों की पारी खेलकर पिछले मैच में फॉर्म में लौटने का संदेश भेज दिया है, जबकि रिद्धिमान साहा के होने की वजह से टीम की ओपनिंग और भी ज्यादा बेहतर हुई है। हैदराबाद के साथ बस दिक्कत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की है। मध्यक्रम में टीम के पास बढ़िया बल्लेबाज नहीं है जो कि गेम को चला सके। यहां पर टीम को परेशानी हो सकती है। बहरहाल इस मैच में दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। डेविड वार्नर कप्तान, रिद्धिमान साहा, मनीष पांडे, केन विलियमसन, विजय शंकर, जैसन होल्डर, अब्दुल समद, राशिद खान, शहबाज नदीम, संदीप शर्मा और टी नटराजन। वहीं आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। जोशुआ फिलिप या फिर आरोन फिंच, इन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, इसरू उडाना, मोहम्मद सिराज या फिर नवदीप सैनी और इसके बाद अंत में युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।